गाइस रियरजेस को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं रियरजेस आखिर है क्या। तो समझते हैं रियरजेस के बारे में। तो रियरजेस इज अ लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। ये यूजर इंटरफेस बनाने के लिए काम आती है। एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है, एक लाइब्रेरी है। फ्रेमवर्क वहाँ होता है जहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोड होता है, आपको राउटिंग बिल्ड बिल्ड मिलती है, सारा काम आपको वहीं मिल जाता है। बस आपको अगर कोई एक्सटर्नल एडिशन चेंज है तो वो इंस्टॉल करना पड़ता है, बस इसके अंदर हर चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ती है। ओके, ये किस लिए काम आती है? ऑप्टिमाइजेशन कोड लिखने के लिए आती है, आपके कंपोनेंट्स बना सकते हो आप रिजोल्वर्स के लिए और बहुत सी चीज़ें के लिए। ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आती है। लाइक आपको लोडिंग करने जरूरत नहीं है अपने पेज को, वहीं की वहीं आप राउटिंग कर सकते हो। ओके, ये डेवलप यही किस क्यों यूज़ करें हम? डायनेमिक और इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ होती है, जिसमें रियूजल कंपोनेंट और विजन स्टेट मैनेजमेंट। तो स्टेट का मतलब होता है आपके वेरिएबल्स, वेरिएबल को मैनेज करने के लिए आपके काम आती है। ओके, ये डेवलप किया गया है आपके फेसबुक के द्वारा और मेंटेन करिए आप। ये फिलहाल में मेटा के द्वारा मेंटेन की जा रही है। ओके, रिएट वर फर्स्ट रिलीज बाई मार्च 2013 में पहला रिलीज वर्जन आया था इसका। और इंस्टॉल कैसे करते हैं? तो ये कमांड है इसकी, NPS क्रिएट रिएट है। समझते हैं इसको कि रिएट आकर यूज़ क्यों करें। ओके, मान लो मेरे पास एक वेबसाइट है HTML सीरीज में। अगर मैं एक HTML सीरीज की वेबसाइट है जिसमें क्या है, मेरा एक हेडर है, एक फुटर है, और अगर मेरा दूसरा पेज जिसमें अबाउट, मान लो इसको अबाउट मान लेते हैं, इसको होम मान लेते हैं, अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों में मुझे हेडर और फुटर दोनों में अलग अलग लगाने पड़ेंगे। तो ये मेरा एक डिसएडवांटेज है, मुझे हेडर फुटर दोबारा लगाना पड़ रहे हैं। वही सेम कंटेंट होने के बावजूद मुझे दोबारा क्यों लगाऊं? ऐसे ही मैं अब रिएक्ट की कंपेयर करूँ, रिएक्ट में मेरा हेडर कंपोनेंट बनाया, फुटर कंपोनेंट बनाया, मेरे को पेजेस के ऊपर लगाना है। तो मैंने कहा कि एक मेन कंपोनेंट के ऊपर वो हेडर फुटर चिपका दिए, दूसरा पेज बनाया तो वही सेम हेडर फुटर मेरे वहाँ यूज़ हुए। अगर मैं इसमें चेंजेस करता हूँ तो वो डायरेक्ट चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे। ये फायदा होता है आपकी हेडर फुट कंपोनेंट्स का। ओके, तो गाइस रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले हमें एक नोड जेएस का एनवायरनमेंट सेटअप चाहिए, जो आप इंस्टॉल कर सकते हो नोड जेएस डॉट डेब से। यहाँ पर अभी करंट वर्जन चल रहा है 18.16.1, यहाँ से इंस्टॉल कर लेना और लेटेस्ट वर्जन अभी आ जाएगा। ओके, तो इसके डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ चीज़ चेक करनी, लाइक नोड माइनस वी। तो ये चेक करना है कि नोड का वर्जन कौन सा है। जो भी वर्जन है, लाइक मेरा 18.16 है और यहाँ पर दिया 18.16.1, तो मेरा इनफ है फिलहाल के लिए। एक करना है एनपीएम माइनस वी। एनपीएम आपके नोड के साथ ही आएगा। ओके, आपको मिल जाएगा, ये चल रहा है मेरा करंट वर्जन। रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब ये तो हुआ क्रिएट रिएक्ट, ये तो आपका सिंपल हुआ। अब उसके बाद आपको चाहिए डायरेक्टरी नेम। आप अपने फोल्डर का नाम क्या देना चाहते हो? फोल्डर का नाम देने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। आपके फोल्डर में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, नेम नेम गड़बड़ाना नहीं चाहिए, बस सिंपल सी बात ये। तो ओके, तो मैं देता हूँ लाइक माई ऐप। तो ये अब मान लो आप एक ने आपने एम के डेयर बनाया, उसमें माया पेरिस बना रखा है आपने। ओके, आप माई ऐप में गए। माई ऐप में जाने के बाद आपको क्या करना है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और डॉट लगाना है। डॉट का मतलब हो गया कि मेरे इसी डायरेक्टरी के अंदर आप जितना भी कोड है आप इसके अंदर टेम्पलेट को इंस्टॉल करो अपनी को। ओके, ये कुछ टाइम लेता है, तो टाइम लेने देते हैं। ओके, वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसमें कुछ कमांड्स दिए हैं इसमें, लाइक आपके इस ऐप में जाना, जो मैं पहले से ही इस ऐप में हूँ, देन npm स्टार्ट करना है आपके स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो गाइस फोल्डर शेयर समझते हैं, जिसमें नोड मॉड्यूल से सबसे पहला फोल्डर हमारा। नोड मॉड्यूल के अंदर हमारे जितने भी पैकेज होते हैं, जितने भी इंस्टॉल पैकेज होते हैं, जो पैकेज आपके पैकेज लॉग जैसे उनके सारे जितने डिपेंडेंसीज होती हैं, डेव डिपेंडेंसी, उनके जो पैकेजेस होते हैं वो आपके नोड मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं। नोड मॉड्यूल्स की जो इंडेक्सिंग होती है वो आप पैकेज लॉग जैसे में देखते हो कि कौन सा पैकेज किस वर्जन का है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ दिखा देता है सारे पैकेज करीबन, बहुत बड़ी लिखी लाइन होती है ये। लाइक अगर आपके पैकेज, अगर आप डिलीट भी कर देते हो नोड मॉड्यूल्स को, तो आप npm i करके जो भी पैकेज लॉग पैकेज जैसे में जितनी भी आपकी डिपेंडेंसीज हैं वो दोबारा आप ले सकते हो। बस वर्जन सेम होना चाहिए, लाइक ये वर्जन है तो वो वर्जन आपको मिल जाएगा। डेप्रिकेट हो जाते हैं कुछ पैकेज, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी npm पे जाकर वो पैकेज देख सकते हो। लाइक मैं आपको दिखाऊं तो बहुत बड़ी लाइन, बहुत बड़ी फाइल है। अगर इसको देखा जाए तो करीबन तकरीबन सेवन इतनी बड़ी लाइन है। ओके, कोई नहीं। उसके बाद आता है आपका पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के अंदर आप वो चीज़ें रखते हो जो आप पब्लिकली एक्सेस करना चाहते हो, लाइक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जो आपका रूट फाइल होगा जहाँ से हमारा रिएट जेस स्टार्ट होगा। रिएट जेस का जहाँ पर भी हमारा इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन कहाँ से होता है, ये आपके रूट एलिमेंट से। ओके, मैं समझाऊंगा पूरा पूरा कि रूट एलिमेंट से क्यों होता है। ओके, सब कुछ। ओके, उसके बाद आती है आपकी लोगोज। लोगो आपके PNGs हैं जो आपको यूज मैनिफेस्ट जेसन में इसने यूज़ किया हुआ है, इनका नो इश्यू इनका तो। ओके, robot.txt। robot.txt में आपके SEO फ्रेंडली URLs लिखते हो, जिसमें आपके टारगेट करते हो कि मेरे URLs SEO के लिए इसको यूज़ करते हो। सिंपल चीज़ें ये हैं, SEO के लिए इसको यूज़ करते हो, उसमें कीवर्ड्स डालते हो जो भी है आपके।
देन इसको होता है SRC फोल्डर। SRC हमारा फोल्डर का नाम होता है, पूरा फुल फॉर्म होती है सोर्स। सोर्स के अंदर हमारे सोर्स फाइल्स होती हैं, जितनी भी हमारी CSS JS जितनी फाइल्स होती हैं वो हमारे इसके अंदर आती हैं। इसमें जो एंट्री पॉइंट होता है वो आपका होता है index.js, जहाँ से हमारा एप्लीकेशन बनता है, एप्लीकेशन इंजेक्ट होता है रूट एलिमेंट के अंदर और वो रेंडर होता है। उसके बाद ये वेब वाइटल्स और सेटअप टेस्ट जो हैं आपकी टेस्टिंग फाइल होती हैं, जब सेटअप और टेस्टिंग करते हो या जब उसके लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद गिट इग्नोर। गिट इग्नोर का मतलब है जो भी आप जो चीज़ आप गिट पर पुश नहीं करना चाहते वो चीज़ें यहाँ पर डालते हो। उसके बाद पैकेज लॉग जेसन, जिसमें आपकी इंडेक्सिंग होती है नोड मॉड्यूल्स की, कौन कौन से फोल्डर उसके अंदर है वो चीज़ आप पैकेज लॉग जेसन में देखते हो। पैकेज जेसन, पैकेज जेसन में आप डेव डिपेंडेंसी स्क्रिप्ट डिफाइन करते हो। स्क्रिप्ट में आप स्टार्ट स्क्रिप्ट है जिसमें आप स्टार्ट करते हो, बिल्ड स्क्रिप्ट अपने प्रोडक्शन बिल्ड करते हो, टेस्टिंग के लिए टेस्ट करते हो, इंजेक्ट के लिए इंजेक्ट करते हो। रीडिंग फाइल, जिसमें आप रीडमी लिखते हो, अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखते हो, डिस्क्राइब करते हो कि मेरा प्रोजेक्ट इस बारे में है, मैं प्रोजेक्ट में ये करना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा यूज़ करना चाहे तो इस प्रोजेक्ट में मैं ये चीज़ लिखना सकता हूँ, ये आप देख सकते हो MD फाइल। तो गाइस कोड समझते हैं, कैसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में डिफरेंस समझते हैं कि होते क्या है, पहले तो समझते हैं। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्लास के फॉर्म में लिखे जाते हैं। देखो सबसे पहले मैं इसको लिख रहता हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं इस कोड से। मान लो कि एक सिंपल जावास्क्रिप्ट फाइल है, डॉट जे एस लगा हुआ है इसके पीछे, ये डॉट जे एस की फाइल है, यानी जावास्क्रिप्ट फाइल है। अगर मैं एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट आता हूँ, देखो मैंने एक एक्सचेंज इंस्टॉल कर रखा, लेना आपको मिल जाएगी, दिखा देता हूँ आपको फास्ट। रिएट ES6 रेडक्स ग्राफक्यूएल, ये वाली स्निपेट है, इसको इंस्टॉल कर लेना आप। इसमें देखो ये है ना आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आपको रेंडर मेथड मिलता है जिसमें आप HTML यानी कि JSX को रेंडर करते हो। अभी रुक जाओ, JSX क्या होता है बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी समझते हैं कि ये क्या है। फिर इसके लिए रेंडर जो होता है ना, रेंडर मेथड, वो क्या करता है आपको रेंडर करता है आपकी HTML को ऐसा JSX फॉर्म में, कंपाइल करता है JSX में, देन उसको जावास्क्रिप्ट में इंजेक्ट करता है। अब ये इसके कुछ मेथड्स मिलते हैं, कंपोनेंट माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट, इसके अंदर एंड फंक्शंस बना सकते हैं, इवेंट्स कर सकते हैं। बट इसमें बात यह है कि अभी रिएक्ट में जो करंट वर्जन चल रहा है उसने खुद कहा है कि तुम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट यूज करो। क्यों कहा? क्योंकि तो इसमें जो कुछ सिंपलिसिटी नहीं है, सिंपलिसिटी ये नहीं है कि आपको इसमें हुक्स का सपोर्ट नहीं मिलता है। हुक्स जो होते हैं, हुक्स का सपोर्ट नहीं मिलता है। कुछ चीजें लाइक आपके रिडक्स में, रिडक्स के सपोर्ट मिल कभी कभी मिल जाता है, लाइक कुछ चीजें रिडक्स की भी नहीं मिलती हैं। जब रिडक्स समझेंगे आगे क्या होता है, रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट टूल था उसके लिए, उसे बाद देखेंगे, बट कुछ चीजें इसमें नहीं मिलती हैं। कंपोनेंट्स बिल्कुल सेम होते हैं, इसमें भी H1 लिखोगे जो भी वही काम करेगा, लाइक हेलो वर्ल्ड लिखते हो फर्स्ट प्रोग्राम तो वो भी यही काम करता है, लिखोगे तो ये भी वही रेंडर होगा। अगर यहाँ देखोगे तो कंपाइल होने में टाइम लेता थोड़ा बहुत, लाइक कंपाइल हो चुका है, अभी देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे भी आ रहा है। अब बनाते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्या होते हैं, देखो अभी मैंने बिल्कुल डरा दिया, अब मैं लिखना है RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ये होता है आपका एरो फंक्शन जो आप सिंपल जावास्क्रिप्ट में लिखते हो, इसमें आप रिटर्न मेथड लगाते हो, रिटर्न क्या करता है ऑटोमेटिक रेंडर कर देता है। रेंडर कैसे करता है, वो रिटर्न कर देता है, रिटर्न करने के बाद वो एप डॉट जी एस, जो एप डॉट जी एस हमारे इंडेक्स डॉट जी एस में लिंक होती है फाइल पहले से, उसके अंदर वो रेंडर मेथड के थ्रू कॉल हो जाती है, रूट डॉट रेंडर, वो ऑटोमेटिक अपनी रेंडर मेथड से कर लेता है। रेंडर किसके अंदर करता है, रूट आईडी के अंदर इंजेक्ट करता है वो कोड को। अगर आप इसको ये देखोगे, सोर्स फाइल देखोगे इसकी, तो सोर्स फाइल के अंदर इसमें आपको कहीं पर भी हेलो वर्ल्ड नहीं दिखेगा, ओनली रूट दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर इसको इंजेक्ट किया गया है एज अ नोड क्रिएट करके। सिंपल सिंपल सी बात। अब फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट इतने आसान है कि आपको हुक्स का सपोर्ट मिलता है, लाइफ साइकिल्स का सपोर्ट मिलता है। लाइफ साइकिल्स कौन कौन से, कंपोनेंट माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट अनमाउंट, ये चीज समझेंगे आगे जाके। तो गाइस जेएसएक्स जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। जो भी रिएक्ट के अंदर जो कोड लिखा जाता है एज HTML वो जेएसएक्स होता है, यानी कि जो आप डेव टैग लिख रहे हो, जो टेक्स्ट लिख रहे हो वो आप जेएसएक्स में कन्वर्ट कर रहे हो। अगर आप बेबल की वेबसाइट पर जाते हो, यानी जो जावास्क्रिप्ट जो जेएसएक्स कन्वर्ट करती है वो बेबल करता है, बेबल की वेबसाइट है वहाँ आपको दिखता है पूरा कि HTML एंटिटी कैसे कन्वर्ट होती है, लाइक एक हेलो वर्ल्ड भी कितना बड़ा कोड लिखा जाता है कन्वर्ट होने के बाद वेब पैक में। तो वो होती है आपकी जेएसएक्स। अब जेएसएक्स लाइक HTML की तरह ही होती है, बट इसमें कुछ लाइक हम HTML में क्या करते हैं, कुछ लिख देते हैं ना, जैसे HR लिख दिया, तो कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग नहीं होते, बट इसमें आपको सेल्फ क्लोजिंग लगाना जरूरी है, नहीं तो आपके एरर आ जाएगा। और इसमें कंपोनेंट में आपको रूट टैग लगाना पड़ता है, जरूरी है रूट टैग के अंदर ही आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसमें मल्टीपल रूट एलिमेंट नहीं बना सकते। लाइक आपने एक H1 यहाँ बना दिया, लाइक इसमें हेलो लिख दिया, वही सेम हेलो 2 यहाँ लिख दिया, तो ये काम नहीं करेगा, उल्टा एरर दे जाएगा। एरर देने आपको एरर भी इतना बड़ा देगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि एरर कौन कौन सी लाइन में। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें रूट ही एक एलिमेंट होगा, इसके लिए आप रिएक्ट फ्रेगमेंट्स का यूज कर सकते हो,
फ्रेगमेंट सिंपल कोड होता है, लेकिन इसमें आपने लिख दिया बस, इसमें आप क्लासेस का स्टाइल्स का यूज नहीं कर सकते और इसमें आप क्लासेस स्टाइल्स का यूज करते हो। अभी हम देखेंगे स्टाइल्स कैसे करते हैं। ओके, तो ये होता है जेसेक्स आपका। क्रिएट के अंदर स्टाइलिंग करने का वही तरीके हैं जो हम एचटीएमएल में करते हैं, लाइक इंटरनल स्टाइलिंग, इनलाइन स्टाइलिंग एंड ग्लोबल स्टाइलिंग। ग्लोबल समझ जाएंगे अभी। ओके, ग्लोबल मतलब एक्सटर्नल फाइल। ओके, देखो इनलाइन स्टाइलिंग करने के लिए सिंपल स्टाइल एट्रीब्यूट होता है आपका, जो हम एचटीएमएल में पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। हमने एचटीएमएल पढ़ा है कि स्टाइल एट्रीब्यूट होता है हमारे स्टाइलिंग के लिए, बट इसमें डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है इसमें, आपको जैसे आप उसमें देते हो कोट्स दे दिए आपने, उसमें स्टाइल इसके अंदर नहीं लिखोगे। आप क्या करोगे, इसमें दो बार ब्रेसेस लगाओगे। एक बार ब्रेसेस का मतलब हो गया कि उसके अंदर अब ऑब्जेक्ट लिखोगे, क्योंकि स्टाइल्स आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखोगे। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं ना ऑब्जेक्ट्स, लाइक स्टाइल के लिए बैकग्राउंड कलर, तो पास्कल केस यूज करते हैं ना कि कबाब केस, लाइक दो तरीके केस होते हैं। अगर आपको मैं समझाऊँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। बैकग्राउंड कलर एक तो तरीका ये होता है, और एक होता है आपका बैकग्राउंड कलर, बिकॉज हम इसमें ये यूज करेंगे ना कि ये वाला। सिंपल। ओके, लाइक बैकग्राउंड कलर दिया मैं, देखो आपको कोड सेशन मिल जाएगा बैकग्राउंड कलर। अब देखो बैकग्राउंड कलर क्या है, हमारी की है, और जो वैल्यू है वो हमें देनी पड़ेगी एज अ स्ट्रिंग। अगर आपके पास कोई नंबर, लाइक आपके पास कोई वेरिएबल है तो उसको देखेंगे। अभी हमने वेरिएबल देखा नहीं, वेरिएबल कैसे स्टोर करते हैं देखेंगे अभी। ओके, अगर मैं अभी इसको प्रिंट कराऊं तो यू सी यहाँ पर मेरा स्टाइल हो गया। ये होगी हमारी इनलाइन स्टाइलिंग। अगर आप मल्टीपल स्टाइल लिखते हैं, मल्टीपल स्टाइल आप आराम से लिख सकते हो। लाइक मेरा जब कलर है, मेरा जो होना चाहिए व्हाइट होना चाहिए, बट वर्ड्स में बस इतना देखना है। ओके, व्हाइट्स में आ गया मेरा। ओके, सिंपल, ये हो गई हमारी इनलाइन स्टाइलिंग। अगर हमें इंटरनल स्टाइलिंग करनी है, इंटरनल का मतलब हुआ कि आप एक हेड टैग लगा रहे हो, वो तो उसमें है नहीं हेड टैग, तो आप इसकी जगह क्या करते हो, एक ओबीजे बनाओगे यहाँ पर रिटर्न के ऊपर। कहाँ पर, रिटर्न के ऊपर, जहाँ आप जैसे रिटर्न कर रहे हो उससे पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे। जो स्टाइल आपने यहाँ लिखी है वही सेम स्टाइल और कॉपी कर लोगे, लाइक जो स्टाइल मैंने यहाँ लिखी है वही स्टाइल यहाँ कॉपी कर ली। आप स्टाइल अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, जो आपकी स्टाइलिंग होती है वो, जो ओबीजे यहाँ लिखा आपने वो आप, जैसे मान लो मेरा दूसरा ही है तो उसमें मैं लिख देता हूँ स्टाइल। इसमें आपको अब कर्ली ब्रेसेस पास ना करके आपको ऑब्जेक्ट पास करना है, बिकॉज आपने पहले ही कर्ली ब्रेसेस पास कर दिया है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अगर आप कर्ली ब्रेसेस पास करना चाहते हो तो आपको ट्रिपल बार स्प्रेड करना पड़ेगा इसको ऑब्जेक्ट को। तो ये हो गई आपकी इंटरनल और इनलाइन स्टाइल। अब बात करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल की। एक्सटर्नल मतलब होता है कि आप फाइल बनाते हो और उसको इम्पोर्ट करते हो, वही सिंपल बात है भाई। तो आपने एक एप डॉट जेएस बना रखी है, अगर मैं इसको हटा दूँ पूरी को, और जो हमारी जो क्लासेस थी, लाइक क्लास में आते हैं लाइक टेक्स्ट रेड, बिकॉज इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, उसके अलावा कोई काम नहीं होगा इसका। और इसमें जो आप सीएसएस जिस हिसाब से देते हो वो हिसाब से। ओके, अब इसको इम्पोर्ट करने का तरीका होता है, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। इम्पोर्ट के बाद आपको फाइल की करंट डायरेक्टरी देनी है, लाइक एप डॉट सी एस एस, सी एस एस लिखना इम्पोर्टेंट है। ओके, देन इस सी एस एस को आप जहाँ पर क्लास देना चाहते हो, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट तो है, इसमें कलर वाइट है बट मेरे को क्लास चाहिए, बट ये ओवरराइड हो जाएगा, बट देखते हैं। इसमें क्लास ना होगा, क्लास नेम होती है, बिकॉज क्लास एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है जो हम क्लास के लिए यूज करते हैं, क्लास टेम्पलेट बनाने के लिए इसमें नहीं करते। ओके, टेक्स्ट रेड। ओके, स्टाइल हटा देते हैं, क्योंकि स्टाइल से ओवरराइड हो जाएगा हमारा कलर। इतना हमने अब देखा है कि अगर इंपोर्टेंट लगा देते हैं तो वो स्टाइल आ जाती है। ओके, तो देख सकते हो मेरा कलर आ चुका है। तो ये होती है आपकी इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस। तो इस बात करते हैं एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं। देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब ये होता है, जब इंपोर्ट कर रहे हो ये इंपोर्ट हुआ आपका। एक्सपोर्ट मतलब आप अपने ऐप को बता रहे हो, अपने एप्लीकेशन को, कि मैंने जो कंप्यूटर बनाया इसको कंप्यूटर में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, बस सिंपल से बात हुआ। बट इसमें कुछ ट्रिकी है, ट्रिकी ये है कि मान लो कंपोनेंट्स, क्या मैं इतनी फाइल है, मान लो मेरे पास इतना ही कंपोनेंट है, मेरे पास ऐसा कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ कि मैं अभी मैं कंपोनेंट जो इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, वो मैं कंपोनेंट कर रहा हूँ नेम से इंपोर्ट, यानी कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूँ ना, जैसे मेरा नाम कृष्णा है, तो मैं कृष्णा भी लिख दूँ यहाँ पर, तो कृष्णा भी यहाँ वैलिडेट है। अगर मैं कृष्णा लिख दूँ यहाँ पर, और देन कृष्णा को सेम यहाँ पर चिपका दिया मैंने, कोई मैंने लॉजिक नहीं लिखा, कोई ऐसा खास लॉजिक नहीं लिखा, और अब देखूँ तो वही सेम कोड कोड चलेगा, नया कुछ भी नहीं हुआ। ओके, बट अब मान लो, अब एक और कंसेप्ट आता है कि मेरे पास, अगर मान लो मेरे पास एक से ज़्यादा कंपोनेंट हुए एक ऐप के अंदर, मेरे पास एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है ऐप टू, जो क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है किसको, ऐप वन को, जो कोड ऐप वन ऐप में लिखा हुआ वो ऐप टू। अब देखो इसमें मुझे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये कंपोनेंट ऑलरेडी मेरी फाइल में एग्जिस्ट है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है इनको इंपोर्ट करने की। बट मेरे को जो चलाना है ऐप टू,
अब मुझे ऐप टू को एक्सपोर्ट करना है, तो ऐप टू एक्सपोर्ट हो गया, अब वहां पर चलेगा मेरा जो कृष्णा था ऑलरेडी वही कोड चलेगा, नया कुछ नहीं चलेगा। तो ये तो मेरा प्रॉब्लम कन्फ्यूजन यहाँ से ही हुआ कि मैं कंपोनेंट्स कितने बना सकता हूँ, कंपोनेंट्स को इम्पोर्ट कर सकता हूँ। अब बात ये आती है, एक इसको हटा देते हैं, कुछ जरूरत नहीं इसको। मेरे को ऐप वन और ऐप टू, यानी कि ऐप है वो भी एक्सपोर्ट करना है और ऐप टू है जो भी, तो मैं कर सकता हूँ, मैं एक ही फाइल में एक ही डिफॉल्ट कर सकता हूँ सबसे पहली बात। और दो करने तो मैं करूँ एक्सपोर्ट, एक ऐप करना है और एक ऐप टू। अब मुझे गेट करने, अभी मैं देखूंगा तो मुझे एरर आएगा, बहुत बड़ा एरर ये आया कि डिफॉल्ट नहीं है भाई तुम्हारा, वॉज नॉट फाउंड इन डॉट ऐप। तो आपको मॉड्यूल को डिफॉल्ट करना पड़ेगा, मैं डिफॉल्ट नहीं करना चाहता, मेरे को ऐप टू चाहिए। तो मैं लिखूंगा ऐप, ये मेरे को सजेशन, ये सजेशन मिल रहा है बस बेसिकली, तो आपको सजेशन नहीं लेना, आपको क्या करना है करली बेसिस के अंदर ऐप लिखना है। अब मान लो कि ऐसा आपको चक्कर पड़ जाए कि भाई एक कंपोनेंट ऐप है, एक किसी और फाइल में भी ऐप लिखा है, तो आप या तो एलियास बना सकते हो, एलियास क्या कहते हैं, एस कृष्णा, तो कृष्णा के नाम से अभी ऐप जो है ट्रीट होगा। ओके तो ये होता है आपका नेम एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में आप सिंपल फाइल के ऊपर बता देते हो कि डिफॉल्ट लिखते हो वहां पर, और नेम एक्सपोर्ट में नेम कर दो, कली भेजते आप जितने कंपोनेंट्स हैं उतने कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये होता है आपका नेम और एक्सपोर्ट। गाइस जब हमें HTML के अंदर, यानी कि हमें JSX के अंदर कोई भी हमें एक्सप्रेशन जो कि हमें डायनेमिक आ रहा हो, लाइक हमारे वेरिएबल्स हुआ, स्टेट्स हुई, उनको हमें प्रिंट कराना, तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं, चार पांच, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। लाइक मेरा नेम है लाइक कृष्णा, मेरी एज है लेट एज इक्वल्स टू 19, मेरा मार्क्स है लाइक 14.5 ऐसा अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। ओके और एक बूलियन मान लेते हैं कि मैं एडमिन हूँ या नहीं, इज एडमिन। ओके तो ट्रू कर लिया। मुझे इनके बेस पर डेटा प्रिंट कराना है, लाइक अगर मेरे को अपना नाम प्रिंट कराना है तो मैं नेम कह सकता हूँ लाइक नेम। एक्सप्रेशन प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे करली ब्रेसेस देन नेम। ओके एज लाइक मेरी एज जो भी है। ओके मार्क्स लाइक मार्क्स लिख दिया, मार्क्स जो भी है मार्क्स प्रिंट कर देंगे। अब देखो बूलियन वैल्यू प्रिंट नहीं होती है, बूलियन वैल्यू को हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं, लाइक हमारे कंडीशनल रेंडरिंग। लाइक मैं ले सकता हूँ, जैसे हमने कंडीशनल रेंडरिंग पढ़ा हुआ है अपने सी या सी एंड प्लस प्लस, अगर आप फैमिली में से पढ़े हो, तो इज एडमिन हो तो मैं ले सकता हूँ हाँ दिस हाई आई एम एडमिन, एल्स में आई एम नॉट एडमिन। ओके रिफ्रेश हो रहा है, तो नेम आ गया, एज आ गया, और मेरे कंडीशनल रेंडरिंग के हिसाब से मेरा डेटा भी आ गया। अगर मैं उसको फॉल्स कर दूँ डेटा को, तो मेरा ये डेटा फॉल्स हो जाएगा। तो हम अपनी जेएसएक्स के अंदर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, फंक्शंस लिख सकते हैं। लाइक मेरा एक फंक्शन है लाइक कॉन्स्ट फन, जो कि रिटर्न कर रहा है, एक एरो फंक्शन है, रिटर्न करता है मेरा, रिटर्न कर रहा है लाइक दिस इज मी, सिंपल था, अभी यही कर रहा है, बाद में देख लेंगे। एक फंक्शन है दिस इज मी, ये क्या कर रहा है, एच वन क्लिक करता है, एच वन पर ओनली फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो फन लिखनी है ओनली। देन फन लिखने के बाद देखते हैं, अगर इसको कॉल कराया जाए देन दी दिस इज मी। ओके ये हो गया आपका एक्सप्रेशन प्रिंट करने का तरीका। अगर आपको पैरामीटर देना तो पैरामीटर आप यहाँ से पास कर सकते हो। तो ये होता है आपका जेएसएक्स के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिखने का तरीका। गाइस रिएक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है प्रॉप्स का, मतलब आप एक कंपोनेंट से अपना डेटा डायनेमिकली किसी कंपोनेंट में पास कर सकते हो। ओके देखते हैं, देखो मेरे पास एक एक ऐप बना, एक कंपोनेंट है लाइक कॉन्स्ट ऐप टू इक्वल्स टू ये दैट, ये क्या कर रहा है रिटर्न कर रहा है एक मेरे को एक स्क्वायर निकल दे रहा है, मतलब एक इंटू करता है टू स्क्वायर निकल दे रहा है, किससे, नम इंटू नम से बस। अब मेरे को ये डेटा डायनेमिक मंगाना है। अभी हमने पढ़ा देखा है कि हम जब हम पास या लिखते हैं अपने किसमें, जब हम अपने वर्क करते हैं अपने किसी भी फंक्शंस के अंदर, तो हम पैरामीटर भेजते हैं वहां से हमें रिटर्न हो जाता है, बट ये रिटर्न कर रहे हैं रिटर्न प्रिंट करा देना है हमें। ओके ऐसा ऐसा कंपोनेंट ट्रीट करते हैं इसको। ओके समझते हैं अभी। ओके लाइक ऐप टू, इसमें हमें एक चीज पास करनी है कि नम है, नम भेजते हैं, नम इक्वल्स टू लाइक हमने भेज दिया 5। अभी हमें करली ब्रेसेस के अंदर भेजना है क्योंकि हमें डायनेमिक डेटा भेजना है, वो भी नंबर, अगर स्ट्रिंग होता है क्वेश्चन में भेजते, बुलियन होता तो बुलियन के टाइप में भेजते, और अगर आपका एरे या जो ऑब्जेक्ट होता था उसकी उसके फॉर्म में भेजते, ये तो आपने पढ़ा है। अगर अभी मैं देखूँ तो मुझे आएगा एरर, एरर नहीं आया, नन आया। नन क्यों आया, क्योंकि नम जो है ना, अभी आप फंक्शन कम जब फंक्शन कंपोनेंट का यूज करते हो, आप प्रॉप्स भेजते हो,
तो आपको ऑब्जेक्ट रिसीव होता ना कि कोई आपको नंबर, यानी कि आपने ये भेजा ना तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिसीव हुआ, यानी कि आपको ये डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो अगर मैं अब करता हूं तो रिफ्रेश, ओके अब मेरे को प्रॉपर नंबर मिला। अगर ये डेटा मान लो अभी ये देखो ये तो बेसिक है, अभी समझते हैं कि बेसिक है, इतना बेसिक मेरे पास एक कंपोनेंट फाइल के रूप में है, यानी कि फाइल मेरा एक फाइल है जो क्या कर रही है मेरे को ग्रीट कर रही है हेलो डॉट जे एस, ओके इसमें आर एफ सी ये क्या कर रही है एक चीज गेट कर रही है। मैंने आपको बताया प्रॉप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है प्रॉप्स, आप लिख सकते हो नेमिंग कन्वर्शन होता है प्रॉप्स। देखो अगर उस पर क्लिक करते हो तो प्रॉप्स भी लिखता है, बट जब आप क्लासेस में करते हो डिस डॉट प्रॉप्स होता है। अभी आप प्रॉप समझो, ओके प्रॉप्स क्या कर रहा है रिसीव कर रही है हेलो कर रहा है मेरे को, अब मेरे को ये ग्रीट कर रही है या फिर मेरा नाम भी होता है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है नेम सॉरी प्रॉपर्टी है। प्रॉप्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट, उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये ऐप जो है कॉल कर रहा है इसको हेलो, हेलो कॉल कर रहा है तो कुछ चीज मांग रहा है, जैसे कि इसमें नेम मांग रहा था, नेम मान लो मैं देता हूँ कृष्णा। और अगर अभी मैं देखूँ तो हेलो ये है सिंपल सा हेलो प्रिंट, हेलो कृष्णा प्रिंट होना चाहिए था तो हेलो कृष्णा प्रिंट हो चुका है। तो ये होता है आपका प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट। तो प्रॉप्स में आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप प्रॉप्स को ऐसा वैल्यू के रूप में भेजते हो, जैसे कि आप ऐसा एट्रीब्यूट मान लो, जैसे इनपुट टोकन में आप एट्रीब्यूट लगाते हो नेम का लाइक टाइप का आप वैल्यू का, ऐसे ही इसमें आप खुद के एट्रीब्यूट्स बना रहे हो। सिंपल सा काम क्या है, आप प्रॉप्स को ऐसा एट्रीब्यूट समझो कि आप एट्रीब्यूट पास कर रहे हो किसी कंपोनेंट के। आप देखो रिएक्ट में मैंने बताया वो कंपोनेंट होते हैं, आप इतने सारे कंपोनेंट बना रहे हो रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं, इस कंपोनेंट को हेलो वाले को 10 जगह यूज करो कोई दिक्कत नहीं, आपसे एक बार मना नहीं करेगा क्योंकि इसको प्रॉप चाहिए, प्रॉप पास करते रहो। ओके पास नहीं करने आप यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, इसका मतलब हो गया कि ये आ भी सकता है नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट में नल सेफ्टी होता है ये। ओके ये हो गया आपका प्रॉप्स का और आपके एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट। रिएक्ट के अंदर स्टेट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बोलता है द स्टेट ऑब्जेक्ट इज वेयर यू स्टोर प्रॉपर्टी वैल्यू द दैट बिलोंग टू द कंपोनेंट, व्हेन द स्टेट ऑब्जेक्ट चेंज द कंपोनेंट रिटर्न। मतलब कि मान लो हमारे पास कोई वेरिएबल है लेट ए इक्वल्स टू 5, अगर उसमें कोई अपडेट करते हैं लाइक ए प्लस इक्वल टू 5 करते हैं, उसमें कोई ऑपरेशन करते हैं यानी कि उस वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमारी यूआई दोबारा रिटर्न होती है। बट रिएक्ट के अंदर अगर हम सिंपल यूआई लाइक हमने लिख दिया लेट ए इक्वल्स टू 5 और इसके ऊपर कोई परफॉर्म ऑपरेशन करते हैं लाइक हमने बटन दबाया, बटन पे अगर ऑन क्लिक, हमने पढ़ा जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑन क्लिक मेथड होता है, बट इसमें क्या है हमें एक कॉल बैक देना होता है। कॉल बैक में क्या कहते हैं हम लाइक ए प्लस प्लस ए और नहीं तो सीएलजी कर दो, सीएलजी कर दो ए की, ए को सीएलजी कर दो। और अगर हम चेक करें लाइक ए को प्रिंट कराएं बटन के अंदर ए को प्रिंट कराते हैं तो ए ऐसे प्रिंट होगा अलग लिखते हैं ए वैल्यू। ओके अगर हम अपने यूआई पे चलें तो आप देख सकते हो ये वैल्यू है, अगर इसमें मैं क्लिक करूँ लाइक ए की वैल्यू भी 5 है, यहाँ देखो यहाँ तो 6 आ गया यहाँ 7 भी आ गया, बट ये यूआई पर रेंडर नहीं हुआ। तो रिएक्ट क्या कहता है कि भाई तुम्हारा यूआई पर रेंडर जब होगा कि तुम हुक्स का इस्तेमाल करो, यानी कि स्टेट सेट स्टेट फंक्शन का यूज करो। जब हम क्लास में होते हैं जब हमें सेट स्टेट और स्टेट फंक्शन मिलते हैं, बट अभी तो हम क्लास में है नहीं, हम तो फंक्शन कंपोनेंट में, तो फंक्शन कंपोनेंट में उस चीज को अचीव करने के लिए स्टेट्स को चेंज करने के लिए हमें यूज स्टेट हुक का मिलता है। हुक समय भी पढ़े नहीं है बट हुक समझ लेते हैं, एक तरीके से हमें मेथड मिलता है उसमें दो चीजें हमें एरे डिस्ट्रक्चर करनी पड़ती है। डिस्ट्रक्चर क्या करना पड़ता है, एक पहला होता है आपकी वैल्यू, दूसरा होता है मेथड जिसकी मदद से चेंज होता है। ओके यूजुअली क्या होता है कॉन्स्ट वैल्यू को हम चेंज नहीं कर पाते बट उस वैल्यू की मदद से हम उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके मैं आपको दिखाता हूँ लाइक स्टेट सेट स्टेट, आपको ऐसा लिखना मतलब एक नेमिंग कन्वर्जन है कि सेट और स्टेट सिंपल सा, मतलब स्टेट में वैल्यू आई सेट स्टेट एक फंक्शन बनेगा लाइक मेथड है जो आपको डिस्ट्रक्चर होने के बाद मिलेगा। आपको लिखना है यूज स्टेट, यूज स्टेट इम्पोर्ट करना पड़ेगा आपको कहाँ से रिएक्ट में से, रिएक्ट का ही फंक्शन है यूज स्टेट फंक्शन मान लो अभी, जिसमें आपको इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी कि मेरी इनिशियल वैल्यू क्या होगी जब मैं अपने यूआई पर रेंड करूंगा। मेरी इनिशियल वैल्यू होगी 0 जो कि एक नंबर है। ओके जब आप टाइप स्क्रिप्ट में होते हैं तो आपको डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पर कि नंबर है क्या है, पर अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल लिखते हैं 0, उसका मतलब ऑटोमेटिक से पहचान लिया कि जो स्टेट हमने दिए वो नंबर है तो नंबर ही चेंज हुआ। ओके अगर अब मैं इस पर अगर मैं ये स्टेट प्लस प्लस करूँ तो अभी काम नहीं करेगा, हमें इसके लिए हमें करना पड़ेगा सेट स्टेट एक मेथड है इसके अंदर वैल्यू पास करनी पड़ेगी, वैल्यू क्या है जो स्टेट है उसका प्लस वन, बस सिंपल सा कुछ नहीं। अब जो वैल्यू स्टेट है इसको ही हम प्रिंट करा देंगे, ए का कोई वजूद है नहीं। अब चलते हैं तो यू सी अगर 0 है 1 2 3, यहाँ इसको रिलीव करते हैं क्योंकि हमने कंसोल नहीं कराया। अगर यहाँ देखो
तो वैल्यू यहाँ अपडेट हो रही है। तो ये होता है आपका रिएक्ट के अंदर स्टेट का वेरिएबल, स्टेट का कॉन्सेप्ट। स्टेट आपकी ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, स्टेट आपका एरे भी हो सकता है, स्टेट आपकी कुछ भी हो सकती है जो आपके डेटा टाइप से रिलेटेड हो, लाइक बूलियन, इंटीजर, फ्लोट, एनीथिंग। ओके गाइस, ये होती है स्टेट्स। हेलो गाइस, बात करते हैं इवेंट हैंडलिंग की इन रिएक्ट जेएस। तो इवेंट हैंडलिंग का मतलब सिंपल सा वही है, अभी हमने स्टेट्स में पढ़ा, लाइक ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन चेंज मेथड जो होते हैं, जो आप इवेंट इवेंट लिसनर्स करते हो, जिसमें आपके मेथड्स मिलते हैं, क्लिक मेथड, आपका माउस ओवर, माउस इन, माउस आउट, जो भी आपके इवेंट्स होते हैं उनको आप इवेंट हैंडलिंग से कह सकते हो। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें क्या, आप बटन के क्लिक पे, इमेज के क्लिक पे, कंपोनेंट के क्लिक पे, किसी एंकर टैग के क्लिक पे उनको रिसीव करते हो। सिंपल सी डेफिनेशन ये है इवेंट हैंडलिंग की, कि एक ऐसा इवेंट जो आपको एक्शन रिसीव कर रहा है, मतलब एक्शन ट्रिगर किया उसने, एक्शन ट्रिगर करने के बाद यूजर को वो रिजल्ट दिखा रहा है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम जनरेटेड आउटपुट। सिस्टम ने जनरेट किया रिजल्ट को वो यूजर को दिखा रहा है, और एक्शन ट्रिगर करने के बाद, यानी कि एक्शन वो किसी पर भी ट्रिगर कर सकता है। आपने एक सेट टाइम आउट लगा दिया कि मेरा 5 सेकंड बाद ये फंक्शन चलना चाहिए, लाइक बटन के क्लिक होने पर ये काम करना चाहिए, तो जो काम करना चाहिए उसको आप ट्रिगर कर रहे हो, फायर कर रहे हो, तो उसको आप इवेंट हैंडलिंग कहोगे। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक मेरे पास एक इनपुट बॉक्स है। ओके, इनपुट बॉक्स है, अगर मैं अभी इस पे देखो, अभी मैंने एक इवेंट लगाया हुआ है, इस पे इवेंट क्या लगाया है मैंने, ऑन चेंज। ऑन चेंज क्या, मेरा एक इवेंट है, अगर आप इसमें देखो तो खुद का बताता है कि ऑन चेंज क्या है, कि खुद बताता है इवेंट है, इसमें इवेंट ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। अगर अभी आप देखो तो मैं इसमें कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये वैल्यूज प्रिंट हो रही है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑन चेंज ये काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक मेरे पास एक बटन है जिसमें मेथड मांग रहा है, मेथड मैंने दिया, लाइक ये अभी मेथड रिसीव कर रहा है नम को, पर मैंने कोई प्रिंट नहीं किया, बट अभी एक डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। ओके, तो अभी मैं क्लिक करता हूँ क्लिक पे, तो यू सी क्लिक यहाँ पर क्लिक हो रहा है। पर अगर मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रिसीव नहीं हो रहा होता, तो मैं क्या करता, तो मैं क्या सिंपल सा इस काम को ऐसे भी कर सकता था विदाउट कॉल बैक के, हम इसको कर सकते थे, बट इसको कॉल नहीं करा सकते थे। अगर हम कॉल कराते तो वहीं कॉल हो जाता। अगर मैं ऐसा सोचूं कि लाइक मैं मेथड को ऐसे कॉल करा दूं, जैसे हम सिंपली कराते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में ऐसे, तो आप खुद देखोगे तो ऑटोमेटिक प्रिंट हो रहा है, पर नहीं, हमें ऐसा नहीं कराना। आप ये मत सोचना कि दो बार क्यों प्रिंट हो रहा है, दो बार इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि रिस्ट्रिक्ट मोड लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखो मेरी इंडेक्स डॉट जेएस में, तो मैंने रिस्ट्रिक्ट मोड लगा रखा है, जिसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देन एक ही बार प्रिंट होगा ओनली। तो ये होता है आपका इवेंट हैंडलिंग इन रिएक्ट। बात करते हैं कंडीशन हैंडलिंग के इन रिएक्ट। सबसे पहले समझते हैं कंडीशंस होती क्या है। देखो, कंडीशन हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, इफ एल्स इफ, एल्स इफ, जो भी स्विच केस, जो भी कंडीशन जो हमें ट्रू और फेल्स के बेस पे, ट्रू और फॉल्स के बेस पे हमें कोई डेटा रिसीव करा रही हो, डेटा हमें दे रही हो, रिटर्न कर रही हो, उस चीज को हम कंडीशन कहते हैं। कंडीशन या तो आ रही ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। ओके, आपको बता दूं, जैसे -1 -2 होते हैं, ये आपके फॉल्स में आते हैं, 0 से ऊपर जो भी चीज होती है, लाइक 1 2 जो भी होता है वो आपका आता है, जो भी पॉजिटिव होता है वो आपका ट्रू में आता है, नेगेटिव होता है वो आपका फॉल्स में आता है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुई। मान लो एक मेरे पास स्टेट है जिसमें ट्रू है, वो ट्रू रिटर्न कर रही है। अगर मैं चाहूँ तो एक कंपोनेंट रिटर्न कर सकता हूँ, लाइक मेरी कंपोनेंट बनाया मैंने, लाइक उसमें लेकर बनाया लोडर, जैसे कि आपको जरूरत पड़ती रहेगी लोडर की, जिसमें आर एफ सी करते हैं। ओके, आर एफ सी करने से मुझे ये मिल रहा है, आपको पता होगा शीघ्र। ओके, इसमें लोडिंग स्टेट आ रही है, लाइक लोडिंग हो रहा है, जी मैं चाहता हूँ जब तक ट्रू होती रहे, जब तक वो लोडिंग करो, यानी कि लोडर लगाओ, बट मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न नहीं किया तो मेरे को नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर अभी देखो तो लोडिंग आ रहा है, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ, इसको अगर मैं फॉल्स कर दूँ तो कंडीशन रिटर्न आएगी। एक तरीका और है, आपको दिखाता हूँ दोनों तरीके। मान लो मेरे पास स्टेट है, जिसमें ये स्टेट है, अगर स्टेट ट्रू है, अभी स्टेट बना रखी, स्टेट ट्रू है, तो मैं स्टेट ट्रू है तो मुझे दिखाओ तुम लोडिंग, एल्स में क्या करो कुछ मत दिखाओ। तो यू सी अगर मुझे लोडिंग दिख रही है यहाँ पर, एक कंडीशन राइटिंग मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। ओके, H1 करते हैं। ओके, यू सी लोडिंग आ गया। अगर वो स्टेट फॉल्स होती, लाइक अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव कर दूँ, लाइक इसको क्वेश्चन वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा। तो ये होती है आप कंडीशन रेंडरिंग इन रिएक्ट। आप क्या करते हो, ट्रू और फॉल्स के बेस पर आप अपने डेटा को या कंपोनेंट को रेंडर कराते हो, तो